हेलो फ्रेंड्स, इस साल आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, 14 तारीख को भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसका नाम पुलवामा आतंकी हमला है, जिसमें हमारे देश के 42 सोल्जर्स की जान चली गई। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सोल्जर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दिन रात सोते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा जो ज़िंदगी है वो अधूरा है, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्जर्स हमारे लिए दिन रात एक करके जगते हैं। लेकिन 42 सोल्जर्स की जान बिना गलती के कारण चले गए। तो इसको देखते हुए IPL, जो इंडियन प्रीमियर लीग, हर साल ओपनिंग सेरेमनी में जितना भी पैसा खर्च होगा, वो पूरा जो पैसा है, इस साल का जो फंड है, वो उनके रिलीफ फंड में, यानी कि उनको डोनेट किया जाएगा, जिससे उनके परिवार को हेल्प मिल सके। तो इस साल इसलिए ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि IPL में इस साल ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगा, तो आप इससे खुश हैं या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।